मैं हूं काकुली और पाखीदार दुनिया में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड बात किया रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। आज मेरे सांकोनू बाट को ब्रीडिंग बॉक्स प्रोवाइड करूंगी और गली स्टिच से जो मैं बॉक्स लेकर आया था वो बॉक्स अच्छा तो है लेकिन वो बॉक्स पुराना है, किसी का यूज किया हुआ बॉक्स है। तो जब मैं खरीदने गई थी तब मुझे लगा कि वो बॉक्स पुराना है लेकिन दुकान में रख रख के पुराना हो गया है, सेल नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन घर पे आकर देख रही हूँ कि वो किसी का यूज किया हुआ बॉक्स है। तो फ्रेंड चलिए वो बॉक्स कैसा था पहले वो पहले आप लोगों को दिखाती हूँ, उसके बाद वो कैसे क्लीन किया और क्या क्या प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा वो भी मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, बॉक्स के अंदर कोने पर चिप्सी लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर पहले बच्चा हुआ है ऐसे ही लग रहा है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले इस चिप्सी को हटा रही हूँ। अगर ये बॉक्स नया होता तो ऐसे कोने पर कोई भी चिप्सी नहीं रहता। चिप्सी को अच्छे से हटाने के बाद मैं थोड़ा सा वार्कोनेस और वाटर लिया हूँ। वार्कोनेस काफी अच्छा होता है तो मैं वार्कोनेस ही लिया हूँ। वीडियो बनाने का टाइम पूजा से पहले था तो तब कोलकाता पर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था तो इसलिए बॉक्स मैं धो नहीं सका, इसलिए मैं पोंछ रही हूँ इस तरह से। इस तरह से पोंछने से वायरस बैक्टीरिया तो जाते हैं लेकिन इसके भीतर बहुत बहुत कीड़ा मकोड़ा है तो वो भी निकालना जरूरी है। ये देखिए फ्रेंड, बॉक्स के अंदर तो मैं अच्छे से साफ कर लिया हूँ लेकिन इसके भीतर बहुत ज्यादा बड़े बड़े कीड़ा मकोड़ा है और बैड स्मेल भी है। और सिर्फ पोंछने से तो कीड़ा मकोड़ा नहीं जा रहा था तो इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। ये सूखा नारियल का छिलका है और उसके ऊपर मैं दे रही हूँ कपूर। इस पे थोड़ा सा आग लगा देना है। आंख थोड़ा सा बुझ जाने के बाद देना है थोड़ा सा धुना और इस धुएं को रख देना है बॉक्स के अंदर। इसमें से धुआं निकलेगा तो कीड़ा मकोड़ा अपने आप ही बाहर निकल जाएगा और इसमें से अच्छे स्मेल भी निकल रहा है तो इसलिए बॉक्स के अंदर जो बैड स्मेल होता है वो भी चला जाएगा। जिस वक्त मैं ये वीडियो कर रही थी उस वक्त बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था कोलकाता पर तो इसलिए ही ये सब करना पड़ा। अभी ध्यान से देखिए फ्रेंड, कितना ज्यादा कीड़ा मकोड़ा यहाँ से निकल रहा है। ऐसा नहीं है ये दो तीन था, बहुत ज्यादा इस तरह की कीड़ा मकोड़ा था तो इसलिए ही मुझे ये सब करना पड़ा। करीबन आधा घंटे तक मैं धुआं इस बॉक्स पे दिया हूँ और धुएं से जो कीड़ा मकोड़ा बाहर निकल रहा है वो फिर से बॉक्स के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो इसलिए मैं लक्ष्मण रेखा से बॉक्स के आसपास जो है दाग दे दिया हूँ। इससे जो कीड़ा मकोड़ा बाहर आ रहा है वो मर जाएगा। तो फ्रेंड अभी इस बॉक्स के अंदर से अच्छा स्मेल ही आ रहा है, जो बैड स्मेल था वो सब निकल गया है। बहुत दिन से धूप तो निकल ही नहीं रहा था तो आज थोड़ा सा निकला है तो मैं थोड़ा सा खुश हूँ, इसलिए लगता है बॉक्स को सुखाने के लिए धूप निकला है आज। अभी जहाँ पर जंग पड़ गया है वहां पर मैं थोड़ा सा साफ कर रही हूँ। तो देखिए अच्छे से साफ हो गया है इधर, और इधर मैं थोड़ा सा ऑयल भी लगा दूंगी। ये देखिए बॉक्स थोड़ा सा फटा हुआ है। फ्रेंड देखिए फिर से बारिश आने वाला है, एक घंटे तक ही धूप इसको मिला और भीतर में कोई बैड स्मेल नहीं है, जो बैड स्मेल पहले था अभी अच्छा ही स्मेल निकल रहा है भीतर से और बॉक्स भी सूखकर एकदम रेडी हो गया है। तो अभी ही मैं इसको दे दूंगी, बारिश पड़ रहा है अभी तो चलिए नीचे जाते हैं। और अगर धूप रहता तो मैं बॉक्स को अच्छे से धोकर धूप में बहुत दिन तक रख देता तो कीड़ा मकोड़ा चला जाता, धूप निकल नहीं रहा था तो इसलिए ही मुझे ये सब करना पड़ा।
अभी आप बॉक्स के अंदर देखो कितना ज्यादा साफ सुथरा लग रहा है। नेस्टिंग बनाने के लिए लौंग, हल्दी, तेजपत्ता चाहिए और चाहिए चिप्सी। चिप्सी डालने से कीड़ा मकोड़ा थोड़ा सा कम होता है। पहले थोड़ा सा ऑयल लेना है या फिर आप वेसलिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो और इस तरह से इधर लगा देना है। बॉक्स के ऊपर पे जो काम था वो तो हो गया है। अभी चलिए नेस्टिंग बनाना शुरू करते हैं और उसके लिए चाहिए चिप्सी और हल्दी, लौंग, तेजपत्ता। हल्दी का पाउडर अच्छा होता है, नेचुरल यही अच्छा होता है। कोने कोने पर मैं हल्दी का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर पॉइजन भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पॉइजन देना पसंद नहीं करती हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मैं नेचुरल चीज जो है वो ही देना पसंद करती हूँ। अभी मैं दे रही हूँ लौंग। लौंग बहुत ज्यादा करके ही देना। लौंग देने से बर्ड को कोई नुकसान तो नहीं होता है और कीड़ा मकोड़ा भी कम होता है, तो इसलिए लौंग देना, कोने कोने पर अच्छे से देना, क्योंकि कोने से ही कीड़ा मकोड़ा अंदर आते हैं। देखिए हल्दी और लौंग तो मैं यहाँ पर दे ही दिया हूँ। अभी डालना है चिप्सी और ये पूरा प्रोसेस आप अगर बॉक्स को केज के अंदर लेकर के करो तो वो अच्छा होता है। मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, तो इसलिए मैं बॉक्स को बाहर रख के ही ये प्रोसेस कर रही हूँ। अभी मैं दे रही हूँ चिप्सी। चिप्सी तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है और भी काफी सारे नेस्टिंग मटेरियल है जिसका प्राइस बहुत कम है, लेकिन मुझे चिप्सी ही अच्छा लगता है। और अभी मैं दे रही हूँ तेजपत्ता। तेजपत्ता की एरोमा बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। अभी तो नेस्टिंग मटेरियल अंदर डालना कंप्लीट हो गया है। दरवाजा को लॉक कर देती हूँ। लॉक करने के बाद दरवाजा के आसपास लगाना है लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा लगाना जरूरी होता है क्योंकि दरवाजा में से ही चींटी अंदर चले जाते हैं और बच्चे अगर होता है तो बच्चे को काट लेते हैं, तो इसलिए लक्ष्मण रेखा लगाना जरूरी होता है। इस तरह से जॉइंट पर भी लक्ष्मण रेखा लगाना जरूरी होता है। पूरे बॉक्स पे ही अच्छे से लक्ष्मण रेखा लगा देना, ठीक है। मेरे पाइनएप्पल कॉर्नर का बॉक्स का गेट और सान कॉर्नर का गेट पूरा उल्टा है, तो इसलिए बॉक्स को इधर ही लगाना पड़ेगा, उधर लगाना नहीं जाएगा। जहाँ पर बॉक्स रखना है वहां पर भी थोड़ा सा लक्ष्मण रेखा से ऐसे दाग दे देना है। अभी मैं आ गई हूँ बॉक्स को अंदर लगाने के लिए। बॉक्स को मैं अंदर ही लगा रही हूँ क्योंकि बाहर अगर बॉक्स में लगाता तो बॉक्स को नेट से कवर करना पड़ता और अभी मैं वो नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए ही बॉक्स को मैं अंदर रख रही हूँ। बॉक्स को केज के अंदर रखने के बाद ही आप लोग नेस्टिंग मटेरियल डालना, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा होता है। मैं तो नेस्टिंग कैसे करते हैं वो आप लोगों को दिखा रही थी, तो इसलिए ही पहले नेस्टिंग कर लिया, उसके बाद मैं बॉक्स को अंदर रख रही हूँ। और मैं बॉक्स को इस कोने पर रख रही हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं शिफ्ट करूंगी, ठीक है, इधर से ही आसानी से चेक कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं बॉक्स को इधर ही लगाया। ये देखिए कितने अच्छे से इधर से मैं चेक कर सकती हूँ। बाहर मैं बॉक्स लगाती हूँ तो इधर पिलर है, तो इसलिए केज को और थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ता और इधर जगह जो है वो कम हो जाता, तो इसलिए ही मैं बॉक्स को केज के अंदर रखा। अभी मेरे सान कॉर्नर का केज कैसा लग रहा है वो कमेंट करके बताना, ठीक है। इसी तरह से ही आप छोटे कॉर्नर यानी कि पाइनएप्पल, योलो साइट
और बड़े कोनूर, सान कोनूर, ये सब बर्ड की नेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, अभी लग रहा है बॉक्स पे थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है मेरे सान कोनूर को। ये दोनों ब्रीडिंग करेगा कि नहीं करेगा वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन डांस जरूर करेगा। इस बॉक्स को ये दोनों डांसिंग फ्लोर बना दिया है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगे तो सबके साथ शेयर कर देना और मेरे चैनल को बाटकिया रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, टाटा।